दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है ओरोविल। पौंडीचेरी का यह एक अनोखा और दिलचस्प शहर है जिसको यूनिवर्सल सिटी के नाम से जाना जाता है। यह चेन्नई से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 24,000 से ज्यादा आबादी वाले इस शहर में करीब 50 देशों के लोग आकर बसे हुए हैं। इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ पूरी दुनिया तथा सभी धर्मों, जाति, समूह, वर्ग और पंथ के लोग एक साथ मिलकर बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांति से निवास करते हैं। यहाँ राजनीति, धर्म और पैसे की कोई जरूरत नहीं है। सच में यहाँ ना तो पैसा चलता है और ना ही सरकार। यह शहर 1968 में एक सोसाइटी के द्वारा एक परियोजना के तहत बसाया गया है। यहाँ बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं और बिजली मुफ्त है, स्कूली शिक्षा भी मुफ्त है और कोई परीक्षा नहीं है। बच्चों को अपनी पसंद के विषय और अपनी गति से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ की सदस्य मासिक रूप से एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं और व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए भुगतान किए बिना उन्हें जो भी आवश्यक लगता है वह ले भी लेते हैं। यहाँ के लोग धार्मिकता पर कम, आध्यात्मिकता पर ज्यादा बल देते हैं। इस शहर के केंद्र में एक मंदिर भी है, पर यहाँ किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती, बल्कि यहाँ लोग योग करते हैं और खुद को तंदुरुस्त रखते हैं। यहाँ मंदिर के भीतर लोग बैठकर मन की शांति के लिए मौन भी रखते हैं। भारत सरकार द्वारा भी इस शहर को मान्यता मिली हुई है और यूनेस्को ने सन 1956 में सभी सदस्यों देशों को ओरोविल के विकास में योगदान देने का आह्वान करते हुए इसका समर्थन किया था। यह भारत ही नहीं, विश्व का एक विलक्षण शहर है। माता मीरा अल्फासा द्वारा ओरोविले की स्थापना श्री औरेबिंदो सोसाइटी की एक परियोजना के रूप में 28 फरवरी 1968 को की गई थी। हालांकि मार्च 1914 में ही दोनों महान हस्तियों के बीच एक बैठक में ओरोविले की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन 28 फरवरी 1968 को टाउनशिप का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। सन 1950 में श्री औरेबिंदो के निधन के बाद माता मीरा अल्फासा ने इस सार्वभौमिक शहर के विचार को साकार करने का कार्यभार संभाला। उनके मार्गदर्शक सिद्धांत श्री औरेबिंदो के मानवीय एकता के आदर्श, सांस्कृतिक सहयोग पर उनका जोर और दुनिया के आध्यात्मिक नेता के रूप में थी। माता मीरा अल्फासा श्री अरविंद घोष की आध्यात्मिक सहयोगी थी। इनका मानना था कि मनुष्य एक परिवर्ती जीव है, पूर्ण रूप से मानवता को ध्यान में रखते हुए बसा यह शहर। माँ मीरा अल्फास की अपेक्षा थी कि इस शहर में सभी धर्मों तथा सभी देशों के लोग एक साथ मिलकर रहे और यहाँ के निवासी एकजुट रहकर शानदार भविष्य की और मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करें। माँ का यह भी मानना था कि यह वैश्विक नगरी भारतीय पुनर्जागरण में निर्णायक योगदान देगी। भारत सरकार द्वारा भी इस नगरी को समर्थन मिला और यूनेस्को ने सन 1956 में सभी सदस्य देशों को ओरोविल के विकास में योगदान देने का आह्वान करते हुए इसका समर्थन किया। यूनेस्को ने पिछले 40 वर्षों की अवधि में ओरोविल को 4 बार समर्थन दिया। 28 फरवरी 1968 को एक समारोह का उद्घाटन हुआ जिसमें 124 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तभी माता मीरा अल्फास ने अपने एकीकृत जीवन दर्शन को स्थापित करते हुए ओरोविल को इसका 4 सूत्रीय घोषणा पत्र दिया। ओरोविल शहर किसी भी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरी तरह से मानवता का है। जो भी इस मानवता के शहर में रहेगा उसकी पूरी तरह से इसके नियमों के अनुरूप ढलना होगा, जैसे मानवता की सेवा या आध्यात्मिकता पर ज्यादा बल। ओरोविले शहर के बीच में मातृ मंदिर स्थित है। इस मातृ मंदिर को देखकर लोग तारीफ करते नहीं थकते हैं। मातृ मंदिर के भीतर लोग बैठकर मन की शांति के लिए मौन रखते हैं। इस परिसर के आसपास के क्षेत्र को प्रशांत क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ नकदी लेन देन नहीं होता है। ओरोविल के अनूठी बस्ती के निवासी ओरोविले के अंदर रुपए का उपयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय उन्हें खाता संख्या दी जाती है और लेन देन एक ओरो कार्ड, जो डेबिट कार्ड की तरह काम करता है, के माध्यम से किया जाता है। सभी बुनियादी सेवाएं मुफ्त में मिलती हैं। यहाँ ओरोविले में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं और बिजली मुफ्त है, स्कूली शिक्षा भी मुफ्त है और कोई परीक्षा नहीं है। बच्चों को अपनी पसंद के विषय और अपनी गति से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
रख रखाव के लिए निवासी जनशक्ति प्रदान करते हैं और मासिक आधार पर नींव में योगदान करते हैं। दैनिक आगंतुकों और मेहमानों से अर्जित धन का उपयोग टाउनशिप के रख रखाव के लिए भी किया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए लघु उद्योग जैसे हाथ से बने कागज, अगरबत्ती आदि भी स्थापित किए जाते हैं। ओरोविल भारत के संविधान के एक अधिनियम के माध्यम से ओरोविल फाउंडेशन द्वारा शासित है। राजनीति और धर्म का ओरोविल में कोई स्थान नहीं है। यहाँ के मकानों का मालिक उनमें रहने वालों नहीं बल्कि फाउंडेशन है। 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ओरोविल का दौरा किया तथा ओरोविले के प्रति अपनी आंतरिक प्रशंसा तथा नैतिक समर्थन अभिव्यक्त किया। जनवरी 2008 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भी ओरोविल का दौरा किया और ओरोविले के दर्शन और कार्य के प्रति अपनी गहरी सराहना अभिव्यक्त की। ओरोविल के 40वें सालगिरह के अवसर पर अपने संदेश में उनके आखिरी शब्द थे, मानव जाति के भविष्य के लिए इस कार्य को समर्थन देना भारत की नियति है।